नमस्कार, संगीता अग्रवाल की किचन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम मेथी पुलाव बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी बासमती के चावल 2-3 बार पानी से अच्छे से धो करके आधे घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख देंगे। चावल भिगोने से पहले आप चावलों को अच्छे से भीन करके साफ कर लें। हमारे चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल फूल गए हैं। अब हम चावलों को चलनी में छान करके इसका पानी निकाल देंगे और इन्हें एक अलग साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए 100 ग्राम मेथी ली और मेथी को अच्छे से साफ करके 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। अब हम मेथी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक कुकर को गर्म करके उसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी करेंगे और घी गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लाल इलायची जिसे हमने बीच में से कट कर रखा है, 10 12 काली मिर्चें, 8 से 10 लौंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1 चम्मच बारीक घिसा अदरक और 2-3 लंबी कटी हरी मिर्च डाल करके अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मसाले को हल्का सा ही भूनना है। अब हम इसमें कटी हुई मेथी डालेंगे और मेथी डालने के बाद अब हम इसे 2 मिनट तक इसे हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, साथ ही इसमें 1/2 चम्मच नमक और साथ ही इसमें 1/2 कटोरी मटर डालेंगे और इन्हें एक उबाल आने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी खोलने लगा है। अब हम इसमें चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसमें 2 सीटी लगाएंगे। यहाँ हम इन्हें मीडियम गैस पर पका रहे हैं। हमारे कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप से निकलने के लिए रखा रहने देंगे। हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम पुलाव को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, हमारा मेथी पुलाव तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।